अस्सलामु अलैकुम। ये देखें, ये डिफ़ॉल्ट में जो है ये इसमें होता है सेकंड गियर में ऑन। ये आप देख रही हैं, ये सेकंड गियर है। इसको आपने पार्किंग से हटाना है, जस्ट ब्रेक दबानी है। ये पार्किंग से हट के रेडी हो गया। आप अपने हाथ को स्लोली स्लोली मूव करेंगी। ये बाइक जो है स्लो स्पीड पे भी चलता है, ये नहीं है कि एकदम झटका ही लेगा। वो असल में आपके लिए बिल्कुल न्यू है ना, तो आप एकदम इसका मेरे हिसाब में ना फुल एक्सीलेटर। आप ये देखिए, मैं 5 की स्पीड पे भी चला रहा हूँ, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। पूरा एक्सीलेटर यूँ दे देंगी तो ये इसकी स्पीड एकदम शूट से निकलेगी। तो ये तो अच्छी बात है कि ये पावरफुल मोटर है। अगर आप इसको स्लो स्लो, ये देखें आपका रिस्ट का काम है, ये स्लो स्लो 20 की स्पीड पर भी चलती है, बिल्कुल 17 की स्पीड पर भी चलती है, ये देखें 15 की स्पीड पर भी चलती है, 9 की स्पीड पर भी चलती है। आप सिर्फ़ और सिर्फ मेरे हिसाब से 5 से 10 मिनट जो है ये अपने रिस्ट को ये ज़रा काबू करके ये 5, 6, 7 की स्पीड पर चला के रखें, आप बिल्कुल इसको इजीली जो है हैंडल कर लेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 9 की स्पीड में अगर आप इसको रोड पे चलाती हैं तो आप सोचें आपसे काबू नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जब प्रो राइडर बन जाएंगी तो इसकी स्पीड, अब ये देखें 10 से मैं 11 लेके गया हूँ। मैं तो इसको 36 पे नहीं लेके गया, मैं जितना जितना हाथ घुमा रहा हूँ उतनी उतनी स्पीड ये इंक्रीज़ करता जा रहा है। तो इंशाल्लाह मेरे हिसाब से आपको ये 14 की स्पीड पर मेरी रिस्ट है, आपके काम आएगी इंशाल्लाह। ये आप 15 to 20 मिनट्स ये ज़रा डबल स्टैंड पे बैठ के ये करके देखें, 14 की स्पीड पे चलाएं, आपको पता चलेगा इंशाल्लाह।